श्री गंगानगर में राय सिंह नगर राज्य मंत्री एवं स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखराम बिश्नोई आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर जायजा लेने और आवेदनकर्ताओं के पत्र लेने के लिए पहुंचे, जिसमें कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि टिकट पर विधानसभा से किसी को एक को मिलनी है, इसलिए जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलती है उसके साथ मिलकर पार्टी को जिताकर विधानसभा में भेजना है। इसमें पूर्व सांसद शंकर पन्नू, विधायक गुरमीत सिंह, कोनर सिंह सहित यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने भाग लिया। राय सिंह नगर विधानसभा से जिला अध्यक्ष युक्त कांग्रेस प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर रहते हुए महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष गोगा देवी नायक के द्वारा अपनी दावेदारी पेश की गई, जहाँ पर उन्होंने प्रभारी मंत्री को बताया कि अगर पार्टी सेवा का मौका देती है तो मैं बखूबी उसे निभाऊंगा और हमेशा पार्टी की सेवा करूंगा। ताकि जो टिकट के लिए भर्ती के लिए आवेदन करते हैं उनके आवेदन लो, लोगों से पूछो, लोगों से जानकारी लो, उसके बाद तो बन टूटो लो, इसी सिलसिले में आज गए हैं। तो क्या पूछा की दिशा रहेगी टिकट वितरण में? टिकट वितरण में लोगों की जो राय हुई उसके अनुसार टिकट देंगे, जिसको लोग चाहेंगे तो जीत सकता है उसी टिकट।